कौन से मेन फैक्टर एसोसिएटेड हो जाए हमें को अगर अपना जो बिजनेस स्केल करना है, मतलब 10 से अगर 1,000 पे लेके जाना है, या मैं अपने क्लाउड किचन मेरा एक जगह है, चार जगह खोलना है, या नेक्स्ट सिटी में मुझे मूव ऑन करना है, तो क्या फैक्टर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आपका फर्स्ट यूनिट होना चाहिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. इफ इफ दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल यू शुड नॉट स्केल. अगर आपका जो फाउंडेशन है वो ही पक्का नहीं रहेगा तो आप बिल्डिंग ऊपर मत बनाइए. बहुत सिंपल है. इफ इफ योर फर्स्ट यूनिट इज अप एंड रनिंग, ब्रेकिंग इवन इन फर्स्ट 3 to 6 months, प्रॉफिटेबल है, देन आप पहले आपके रेसिपी स्टैंडर्डाइज कीजिए. ओके, लोकेशन स्काउट कीजिए. कोई दो राउट है, एक तो आप फ्रेंचाइजी राउट करो या फिर खुद करोगे, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड. तो अगर आप स्टैंडर्ड रेसिपीज क्रिएट कर दोगे तो वो टेस्ट दोनों जगह पे सिमिलर रहेगा. सो आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इफ इफ आपका पहला यूनिट प्रॉफिटेबल है देन ओनली यू शुड मूव टू द सेकेंड वन, जहाँ पे आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कम्प्लीटली होना चाहिए विथ रिगार्ड्स टू रेसिपीज, द एम्बियंस, द एचआर, द स्टाफ. ओके, एंड देन मूव फॉरवर्ड विथ इट. अभी मैंने अभी अभी ये इंटरव्यू अभी काफ़ी आई थिंक एक महीने के बाद आएगा. अभी हमने ईश्वर सर जो कि मुकुंदा फूड के को फाउंडर है उनके साथ इंटरव्यू किया था, जिनको कि रिसेंटली जोमेटो से 5 million की फंडिंग मिली थी. तो सेम क्वेश्चन यही था कि अगर मैं फंडिंग लेने जा रहा हूँ तो मुझे क्या सोच के फंडिंग लेना है. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया था कि अगर आप सर्वाइवल के लिए फंडिंग लेने जा रहे हो तो मत जाओ, अगर आप एक्सपेंशन के लिए जा रहे हो तो आप फंडिंग लो. एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा, बहुत सही. हाँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और सही है, अगर आप अपने काम को ही ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हो, अब आप दूसरों का पैसा लगा के उसको भी डुबाने की सोच रहे हो. फिर दैट वुड बी अ डिफरेंट.